हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चटर्जी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन BS4 व्हीकल्स के बारे में। तो मैं जो यस्टरडे मतलब दो दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि अभी तक कुछ पता नहीं है BS4 व्हीकल्स का क्या होगा जो स्टॉक डीलर के पास है। तो रिसेंटली कल नया इन्फॉर्मेशन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है कि जो भी डीलर्स के पास BS4 गाड़ी है वो जो भी लॉकडाउन डे एंड हो रहा है जो अभी तक 14th अप्रैल है उसके बाद 10 डेज तक वो सेल कर सकता है उन गाड़ियों का, मतलब 14th टू 24th अप्रैल सेल हो सकता है। पर इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, जैसे जो भी सेल होगा जो भी डीलर्स है वो खाली 10% ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो उसका मतलब है कि पूरा स्टॉक सेल ही नहीं कर सकते, तो लॉस तो होगा ही डीलर को जो भी करे। अभी अगर लॉकडाउन के बाद सेल भी करेंगे तो खाली 10% सेल कर सकते हैं, बाकी सब लॉस। सेकेंड जो ऑप्शन है, जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक्स है डीलर के पास, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का बोल देता हूँ, तो ये सेकेंड था 10%। और थर्ड जो है वो है दिल्ली NCR रीजन में ये अप्लाई नहीं होगा, तो 31 मार्च को दिल्ली NCR के जो भी डीलर्स हैं वो उसके बाद सेल नहीं कर सकते BS4 स्टॉक का। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद मैं बोलता हूँ अभी डीलर्स क्या कर सकते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, जो भी दिल्ली NCR के उनके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो सेल ही नहीं कर सकते 31st के बाद। तो बेसिकली अभी जो हालत है सेल हो नहीं रहा है, सेल बंद हो गया है, सो वो शॉप्स अभी बंद है, तो दे आर नॉट एसेंशियल सर्विस में नहीं आते तो बंद है। 14th मार्च, उस 10th मार्च के बाद ही लोग खरीदना बंद कर रहे थे, उतना लोग शोरूम में आ ही नहीं रहे थे। तो जिनके पास भी उस समय जो भी स्टॉक्स था तो स्टॉक्स वैसे ही रह रहे थे, सेल हो नहीं रहा था। तो अभी क्या होगा, एक तो ऑप्शन है 10% ऑफ स्टॉक सेल करो, दिल्ली NCR में तो वो भी नहीं होगा, दूसरे जगह में 10% का सेल स्टॉक करो, मतलब सेल कर दो, जो बाकी है वो OEM जो मेन मैन्युफैक्चरर है उनको बोल, अगर वो वापस खरीद लेते हैं जो भी पैसे डीलर ने दिए हैं वो वापस करके स्टॉक्स ले लेते हैं तो ओके। क्यों मैन्युफैक्चरर खरीदेंगे, क्योंकि डीलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है जब वो लोग पैसा दे के खरीद लेते हैं, तो पैसा तो गया, गाड़ी में भी जो प्रॉफिट होना था वो भी गया। तो उस हिसाब से अगर मैन्युफैक्चर वापस ले लेता है तो मैन्युफैक्चर उस गाड़ी का यूज़ कर सकता है, मतलब पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स वो सब यूज़ वापस रीयूज़ कर सकता है, वेरस डीलर वैसे नहीं कर सकता। तो सेकेंड ऑप्शन है 10% के बाद वापस जो भी स्टॉक्स है वो मैन्युफैक्चर वापस खरीद ले। थर्ड जो ऑप्शन है ये सबसे बेकार मतलब है, पर अगर ये फर्स्ट टू में अब उसके बाद भी कुछ स्टॉक्स मतलब रहा, लेट्स से 10% सेल हो गया, फिर और कोई 40% 50% मैन्युफैक्चरर बोला हम ले लेंगे, या कुछ लिमिट रखा हम इतना गाड़ी लेंगे इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो या तो प्री ओन्ड कर देंगे, मतलब खुद के नाम पे रजिस्टर कर देगा डीलर और फिर सेकेंड हैंड के जैसे सेल करेंगे, इसमें भी लॉस है। और थर्ड मतलब लास्ट ऑप्शन जो है ये प्री ओन्ड में भी नहीं हुआ, तो सबसे मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लॉस है वो है स्क्रैप में बेच देना जो भी गाड़ी था, रजिस्टर नहीं होगा तो सेल नहीं कर सकते, तो लास्ट ऑप्शन क्या है खाली स्क्रैप में बेच देना। स्क्रैप में बेच देना मतलब इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू मतलब पूरा लॉस डीलर को, मतलब कुछ भी नहीं, स्क्रैप में क्या मिलता है, खाली वो मेटल का कॉस्ट कुछ होता होगा, वो बहुत ही कम है, तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर स्क्रैप में है। पर अभी के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप BS4 गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो एज अ कस्टमर 14th अप्रैल को अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10 डेज आफ्टर डे ऑफ लॉकडाउन, तो अभी के लिए तो 14th अप्रैल है, बाद में कुछ चेंज होगा तो पता नहीं, तो अभी के लिए 14th को बंद ही रहेगा, 15th to 24th, अगर कुछ चेंज हुआ तो जब जो भी डेट चेंज होगा उस दिन से लेकर 10 डेज तक डीलर सेल कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर्स हैं तो आप भी जाके डिस्काउंट हेविली मिलेगा, मुझे लगता है हेविली डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, क्योंकि डीलर्स को बेचना एटलीस्ट 10% हो, तो 10% भी बिक जाए तो बहुत है, एटलीस्ट
पहले के लिए डीलर्स ऐसे सोचेंगे तो कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा। अगर पूरा स्टॉक बेचने का मतलब अगर परमिट होता तो फिर भी हम सोच सकते थे कि हाँ बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट मिल सकता है, पर क्योंकि खाली 10% है तो लोग तो ज़्यादातर डीलर्स के बाद लोग ज़्यादा ही आएंगे, तो डिस्काउंट का उतना पता नहीं। हाँ डिस्काउंट नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, पर हैवीली डिस्काउंट मुझे लगता नहीं मिलेगा। तो अगर आप लेट में जाएंगे तो हो सकता है मिले ही नहीं कोई भी गाड़ी डिस्काउंट में, क्योंकि शुरू में ही फर्स्ट दिन ही या फर्स्ट दो दिन में ही ख़त्म हो जाए। तो अगर आप ख़रीद रहे तो लॉकडाउन के बाद आपको रिस्क लेके ज़्यादा जाना पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा डेफिनेटली, पर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए, और यही इन्फॉर्मेशन था आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बोलिए, क्या आप डिस्काउंट रेट में खरीदेंगे या BS6 गाड़ी खरीदेंगे कमेंट सेक्शन में बोलिए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए @RCMediaHouse, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए @RCMediaHouse, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए Bye bye and stay safe.